गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पीछे जो है केवल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से होमवर्क जो है दिया जा रहा था, तो आप लोगों का कमेंट आने लगा कि हम लोगों का इंग्लिश का वीडियो नहीं बन रहा है। तो आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण जो है लाए हैं। बहुत ही सरल है, इसको आप जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए, और जो है जो भी दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हम यहाँ लिखे हैं टू चेंज द फॉर्म माने परिवर्तित कर देना, द फॉर्म माने रूप, यानी किसी वाक्य के बिना आप परिवर्तन किए दूसरे वाक्य में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी जो हमारा पहले सेंटेंस का वाक्य हो और जैसा अर्थ वह प्रदान कर रहा है ठीक जो है दूसरे अर्थ वाक्य में वैसा ही अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन उसकी लिखावट आपको चेंज करनी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है, यानी यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका कि यह किताब कठिन है। लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने किया तो यहाँ यह हो गया दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब सरल नहीं है। यानी कहने का मतलब सरल नहीं है तो किताब कैसी है, कठिन है। तो यही आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप इसे जो है किस प्रकार से बदलेंगे, इसमें जो है भिन्न भिन्न तरह के रूल्स हैं, सभी रूल्स को हम जो है बारी बारी से पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला हमारा रूल है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, यानी एडवर्ब जो हमारा टू है उसको हम जो है हटा करके किस प्रकार वाक्य को परिवर्तित करेंगे उसके बारे में। एडवर्ब टू यहाँ लिखा गया है जब टू के बाद, यानी एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो इसे हम निम्न प्रकार बदलते हैं। इन्फिनिटिव के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्फिनिटिव यानी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वह हमारी वर्ब जो है इन्फिनिटिव में बदल जाती है। तो वही बात बता रहा है कि यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो इसे निम्न प्रकार बदलेंगे। सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि टू के स्थान पर सो लगा देंगे। दूसरा नंबर, एडजेक्टिव जहां हमारा वाक्य में दिया हुआ है उसके बाद हम दैट लगाएंगे। तीसरा नंबर, दैट के बाद ही सी इट दे वी आई यू में से कोई एक जो है कर्ता जो है पहले वाक्य में आया होगा तो उसी कर्ता को हम जो है उसी के अनुसार जो है दैट के बाद जो है लिख देंगे। लास्ट पॉइंट हमारा है जहां इन्फिनिटिव टू दिया है उसके स्थान पर या उसको हटा करके यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो हम पहला लगाएंगे, और यदि हमारा वाक्य जो है पास्ट टेंस में है तो वहां हम खुद का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे देखिए सी इज टू ओल्ड टू रन, यहाँ हमारा वाक्य दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा टू है एडवर्ब है, जो ओल्ड दिया है एडजेक्टिव है, और यहाँ जो टू दिया है वह हमारा इन्फिनिटिव है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि इनमें जो है
एड वर्ब भी होगा, एड एडजेक्टिव भी होगा, इन्फिनिटिव भी होगा। लेकिन बदलने का जो तरीका है, सबसे पहला काम हम करेंगे टू के स्थान पर सो लिखेंगे, यानी लिखेंगे सी इज सो ओल्ड। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद हम लगा देंगे कंजक्शन है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले क्लास का कर्ता जो है सी है, तो यहाँ भी हम दैट के बाद यहाँ लिख देंगे सी। अब इसके बाद हम इन्फिनिटिव के यहाँ पहुंचेंगे। इन्फिनिटिव यानी टू को हटा करके हमें प्रेजेंट टेंस में कैंडा लिखना है और पास्ट टेंस में कुडना लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा वाक्य है वह जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ हम लिख देंगे कैंडा। और आगे जो रन लिखा है, रन को हम लिखेंगे, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि टू ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, माने वो इतनी बूढ़ी है कि दौड़ नहीं सकती है। वही हमारा जो है पहले वाक्य में भी अर्थ है। और एग्जांपल हम आप लोगों को एक पास्ट टेंस में बता दे रहे हैं। द बुक वॉज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहां हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास है, हम पहले ही बताए कि इसी दे वी आई यू में से कोई एक अगर आ रहा है तो उसको हम जो है एडजेक्टिव के बाद दैट के बाद जो है लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्लास में से कोई नहीं है तो उसके लिए यह जो है नेटिव शब्द है, इसके लिए हम वहां इट का प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे द बुक वॉज सो डिफिकल्ट, कंजक्शन लगा देंगे इसके बाद दैट। अब यहां हम देख रहे हैं कि दैट के बाद हमें जो है पहले क्लास के कर्ता के अनुसार लिखना है, लेकिन यहां कर्ता जो है हमारा बुक दिया है, तो यहां लिख देंगे इट। और इन्फिनिटिव के बाद यहां हम देख रहे हैं हमारा पास्ट टेंस है, तो यहां हम लिख देंगे Could not under stand। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी पर रिलेटेड हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रयास करिए। अब इसी पर रिलेटेड जो है हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करिए, और जो भी आपको परेशानी हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।